नमस्कार, मैं दिशा पीसीएन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। शहर में बीते कुछ दिनों से नए कोरोना केस संख्या घटने लगी है। इसका मुख्य कारण बड़े शहरों में इसकी रफ्तार धीमी पड़ना है, लेकिन जब बार पूरे नागपुर जिले की जाए तो ये देखा जा रहा है कि शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जो हर किसी के लिए चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि इससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर ग्रामीण क्षेत्र से ही आएगी, जिसके चलते आइए देखते हैं आज का हमारा ये क्राउड रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में क्यों बढ़ रहे हैं नए मरीज और मौतें? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध? ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह जारी है टीकाकरण अभियान? लसीकरण को लेकर ग्रामीणों में डर। ग्रामीणों का कहना, वैक्सीन के बाद होती है मृत्यु। यह एक और सरकार द्वारा लसीकरण मुहिम को बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब भी ग्रामीण इलाकों के लोगों में वैक्सीन को लेकर डर अब भी कायम है। ग्रामीणों को लगता है कि अगर उन्होंने वैक्सीन ली तो उनकी मौत हो जाएगी। वहीं जब बात कोरोना की टेस्ट की जाए तो उसे लेकर भी अब भी लोगों में असमंजस का माहौल है। लोग एक मेंटेलिटी है कि तुमच्यासाठी वेगळा आहे आणि आमच्यासाठी वेगळा लस येतो, तर आम्ही ही लस घेतली तर आम्ही मरू नये। त्यांना कितीही सांगितलं तरी ते बाकीचे जे आहे, जसं खूप जास्त आदिवासी लोकांमध्ये मेंटेलिटी असं भरलेलं आहे की घेतल्यानंतर आम्ही मरणार। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और इसलिए हम टेस्ट भी नहीं करवाएंगे। उनके दिमाग में कोरोना टेस्ट और कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई आशंका है। क्या है उनका कहना, आप खुद ही सुन लीजिए। मैडम, त्यांना असं वाटते की लस घेतल्यानंतर हे मरून राहिले म्हणते, मरून राहिले ना काही काही लोक। मॅडम, त्यांना असं वाटते की लस घेतल्यानंतर हे मरून राहिले म्हणते, ज्याच्यात आता शक्ती राहिली तिथे जगतील म्हणते ना, आमच्या मध्ये नाही तर आम्ही मरून का म्हणतो, बेड नाही दवाखान्यामध्ये उपलब्ध भेटून राहिले आहे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार दावे कर रही है कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जा रही है, जैसे कि इस महामारी में अब गांव भी बड़े स्तर पर चपेट में आने लगे हैं। लेकिन ग्रामीण भारत की असली हकीकत क्या है, यह देखकर आपको हैरानी होगी। ग्रामीण इलाकों में अब भी 45 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन गांव में टीके को लेकर लोगों में उत्साह और जागरूकता की कमी देखी जा रही है। आमचे ग्राम पंचायतचे 45 प्लस वाले 1488 लोक आहेत, पण फक्त 347 लोकांचं म्हणजे इथे सेंटरवर झालं, बाकी लोकांनी तिकडे घेतलं तर 650 जवळपास झालेला आहे। त्यांच्या मनात भीती आहे मॅडम, आम्ही इतकी त्यांच्या मनातली भीती दूर करत आहोत पण तरी त्यांच्या डोक्यातच नाही भरत आहे, नाही वॅक्सिन घेतले ना मरतात ना, आम्ही मरून जाऊ पण वॅक्सिन घेणार नाही। लसीकरण को लेकर ग्रामीणों में असमंजस का माहौल होने की वजह लोगों के बीच जागरूकता की कमी है। प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लसीकरण और कोरोना को लेकर जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में नागपुर जिले के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे द्वारा ली गई बैठक में लसीकरण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति हो इस उद्देश्य से बैठक ली गई थी, जिसके तहत टास्क फोर्स अंतर्गत आने वाले सभी डॉक्टर्स द्वारा कोरोना को लेकर जन जागृति का वीडियो बनाया गया, जिसका उपयोग अधिकारियों द्वारा ग्रामीण इलाके के अधिकारियों के साथ मिलकर गांव की जनता के बीच जन जागृति कराने के लिए किया जाएगा। ऐसी जानकारी इस वक्त जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे द्वारा दी गई। हालांकि देखने वाली बात यह है कि एक और जहां ग्रामीणों में शिक्षा का अभाव है और इतने सारे भ्रम उनके दिमाग में है, उसमें ये मुहिम किस तरह से सफल होगी, ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बात जब जिलेवार आंकड़ों की जाए तो जिलेवार आंकड़े बताते हैं कि अब शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाके से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि गांव में अपेक्षित स्तर पर कोरोना टेस्ट हो नहीं रहे हैं। इस कारण कई पॉजिटिव केस सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। गांव में अगर कोरोना का प्रसार हो गया तो उससे हाहाकार मच जाएगा, इसलिए अब पूरा दारोमदार इस पर आ गया है कि हम गांव को कैसे बचाएं। बीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की स्पेशल रिपोर्ट।
गाँव में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। गाँव वाले महामारी के साथ साथ ठप पड़ी स्वास्थ्य सेवा की भी मार झेल रहे हैं। वही अगर प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध भी करवा दी गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और कोरोना को लेकर जन जागृति कमी प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी करती है। इन चीजों से प्रशासन कैसे निपटेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इन सब में बीसीएन न्यूज आपसे यही अपील करता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय वैक्सीनेशन है। तो अगर लसीकरण करने की आपकी बारी आती है तो बिना घबराए कोरोना का टीका लगवा ले। साथ ही स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखे और देखते रहे बीसीएन न्यूज। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।